प्रश्न आठ, फलन मिला है e की पावर 4x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हम समाकलन को i के बराबर मान लें। माना i बराबर है इंटीग्रल e की पावर 4x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx। हमने समाकलन को आई के बराबर मान लिया। अब यहां हम पाते हैं कि यहां लिखा है कॉस 4x इंटू कॉस 2x। त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि 2 कॉस ए कॉस बी, इसका सूत्र है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अर्थात यहां 2 तो लिखा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमें 2 बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं और 2 से भाग लगा देता हूं। आई का मान हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल। अब यहां ई की पावर 4x है, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। इसमें मैंने 2 कॉस 4x कॉस 2x, इसमें मैंने इस सूत्र का प्रयोग कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 4x प्लस 2x तो कॉस 6x प्लस कॉस 4x माइनस 2x अर्थात कॉस 2x dx। ये मुझे प्राप्त हुआ। दो समाकलनों में ये अब समाकलन बढ़ चुका है। एक समाकलन तो हो गया 1/2 इंटीग्रल e की पावर 4x कॉस 6x dx। एक समाकलन है 1/2 इंटीग्रल e की पावर 4x इंटू कॉस 2x dx। ऐसा ये दो समाकलनों में हमारा आई बढ़ गया। अब ये स्पष्ट है कि e की पावर ax कॉस bx dx समाकलन इस रूप का है। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र यहां लिख लें, इंटीग्रल e की पावर ax इंटू कॉस bx dx। ये होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये हमारा मानक सूत्र है। इस सूत्र का इन दोनों समाकलनों में हमें प्रयोग करना है। पहला समाकलन देखें, 1/2 तो यहां पहले से लिखा हुआ है, ई की पावर 4x अपॉन ए, यहां 4 है बी यहां 6 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए अर्थात 4 cos 6x प्लस बी अर्थात 6 sin 6x, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। सी हम समाकलन का चर एक साथ लिख देंगे, प्लस 1/2। अब दूसरा वाला लिखें, इंटू ये कितना हो जाएगा, ई की पावर 4x अपॉन यहां हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए अर्थात ए यहां क्या है 4 cos 2x प्लस बी अर्थात 2 sin 2x प्लस सी। दोनों समाकलनों के अचर को मैंने एक साथ लिख दिया। सरल कर लें इसको, ये कितना हो जाएगा, 1/2 ई की पावर 4x/16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 52 हो गया। यह है 4 cos 6x प्लस 6 sin 6x प्लस 1/2 ई की पावर 4x/16, ये हो गया 16 प्लस 4 हो गया 20, ब्रैकेट में क्या आ गया, 4 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस। इसको सरल करते हैं तो ई की पावर 4x तो यहां से कॉमन आ गया, दोनों पदों में है, अंश में कॉमन आ गया 8, ब्रैकेट में क्या मिला,
एक बटा, यहां से हमने चार कॉमन लिया है तो ये हो गया 13 चौक 52, 13 ब्रैकेट में क्या आ गया, 4 cos 6x + 6 sin 6x प्लस यहां से हमने क्या कॉमन लिया है 4, तो 1/5 यहां आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 4 cos 2x + 2 sin 2x प्लस ये हमारे अभिष्ट आई का मान होगा। I बराबर हो गया e की पावर 4x/8, ब्रैकेट में है 1/13, यहां ब्रैकेट में किससे गुणा हो रहा है, 4 cos 6x + 6 sin 6x प्लस 1/5, ब्रैकेट में है 4 cos 2x + 2 sin 2x प्लस c।